हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं WWE से जुड़ी कुछ बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट, जहां पर हम बात करेंगे डीन एम्ब्रोस के हील टर्न के ओरिजिनल प्लान्स के बारे में। इसके अलावा बात करने वाले हैं जॉन सीना ने कर दिया रिफ्यूज कि वो नहीं आएंगे क्राउन ज्वेल के बड़े इवेंट में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुनाटिक फ्रेंच डियन हंच डीन एम्ब्रोस के बारे में कि हमें इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के मेन इवेंट में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस रॉ के टैग टीम चैंपियन ड्रू मैकइंटायर एंड डॉल्फ ज़िगलर का फेस करते हुए नजर आ रहे मैच था रॉ के टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, जहां पर इस बड़े मैच में हमें सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस की जीत दिखाई देती है, जब एंड में सेथ रॉलिंस कर्व स्टॉर्म लगा देते हैं और पिनफॉल विक्ट्री से इस बड़े मैच में जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन तुरंत उसके बाद ही जैसे टाइटल वो जीत जाते हैं तो हमें डीन एम्ब्रोस का हीट देखने मिलता है, जहां पर असॉल्ट करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सेथ रॉलिंस को। तो यहाँ पर रूमर्स का मानना कुछ इस तरह से है कि WWE के जो ओरिजिनल प्लान्स थे वो डीन एम्ब्रोस का हील टर्न इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में करवाना नहीं था, बल्कि जो डीन एम्ब्रोस का हील टर्न था वो करीबन हमें सर्वाइवर सीरीज में दिखाई देता या फिर सर्वाइवर सीरीज के आसपास वाले कोई मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, जिसके कारण WWE चाहती थी कि वो बाद में करवाए। लेकिन जैसे हमें रोमन रेंस की एक अनऑफिशियल अनाउंसमेंट दिखाई दी, यानी कि ऑफिशियल तो थी वो रोमन रेंस की तरफ से, लेकिन वहाँ पर WWE की तरफ से ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था, जिसके कारण WWE को एक इम्पैक्टफुल डीन एम्ब्रोस का हील टर्न करने के लिए उन्हें मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में रखना पड़ा और जो उनके सर्वाइवर सीरीज के प्लान थे उनको कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि WWE ये दिखाना चाहते कि बिना रोमन रेंस के द शील्ड बिल्कुल भी नहीं चल सकती, जिसके कारण WWE ने डीन एम्ब्रोस का हील टर्न इसी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में करवा दिया। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में, जुड़ी जुड़ी सी नेशन लीडर 16 टाइम चैंपियन जॉन सीना के क्राउन ज्वेल के इवेंट में ना आने के बारे में। तो रिसेंटली हमें देखने को मिला जॉन सीना एंटर हो चुके हैं WWE के फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में, जो कि हमें दिखाई देगा क्राउन ज्वेल के बड़े इवेंट में और डिटरमाइन करने वाला द बेस्ट इन द वर्ल्ड को। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसी बड़ी अपडेट सामने आई हैं जिनका मानना है कि जॉन सीना ने कह दिया कि वो नहीं आएंगे क्राउन ज्वेल के इवेंट में, अगर जो क्राउन ज्वेल का इवेंट वो सऊदी अरेबिया में होने वाला, क्योंकि रिसेंटली USA गवर्नमेंट और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के बीच लड़ाई चल रही है एक जर्नलिस्ट को लेकर, जिसके कारण जॉन सीना भी इस बात से मना कर रहे हैं कि अगर WWE का शो सऊदी अरेबिया में होता तो मैं वहां पर नहीं आऊंगा, जिस कारण मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बाद जॉन सीना WWE की तरफ से एडवर्टाइज भी नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन आज ही WWE ने एक और फिर से जॉन सीना को उस इवेंट के लिए एडवर्टाइज कर दिया। तो यहाँ पर अपडेट्स का माना कुछ इस तरह से, हो सकता है WWE ने जगह सोच लियो कि कहाँ पर क्राउन ज्वेल करवाएगी सऊदी अरेबिया के अलावा, और हो सकता है आने वाले टाइम में हमें WWE इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी करते हुए नजर। और कुछ अपडेट्स का माना इस तरह से है कि 2-3 दिनों से जो क्राउन ज्वेल है वो USA डिपार्टमेंट के पास जा चुका है, यानी कि गवर्नमेंट के पास जा चुका है, जिसके कारण अब जो उसका मेन फैसला वो गवर्नमेंट लेने वाली है USA की, और हो सकता है पॉसिबली USA की जो गवर्नमेंट है वो क्राउन ज्वेल इवेंट को कहीं और ही करवा दे, जिसके कारण जॉन सीना भी इस बात से एग्री हो जाए और जॉन सीना हमें क्राउन ज्वेल के बड़े इवेंट में आते हुए नजर। लेकिन देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा, अगर जॉन सीना वहाँ पर नहीं आते हैं तो WWE किस तरह से जॉन सीना की इस बात को वहाँ पर दिखाती है और कौन सा हमें रिप्लेसमेंट दिखाई देता है जॉन सीना का। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं जॉन सीना के बारे में कि अगर वो नहीं आएंगे क्राउन ज्वेल के बड़े इवेंट में। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।